नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। हल्द्वानी में खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने अब तक नशे के इतिहास में सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 3 बड़े तस्करों के साथ 1 किलोग्राम से अधिक स्मैक बरामद की। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तीनों तस्करों के पास से 1 किलोग्राम और 75 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी मोरपाल, अर्जुन पांडे और रविंद्र सिंह को पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली। इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक अब तक नहीं बरामद की गई थी। एसओजी और लालकुआ कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने एक बाइक सवार की तलाशी ली, जहां बाइक में 3 लोग सवार थे। पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो वो भागने लगे। इस बीच तीनों को पुलिस ने पकड़ा और तलाशी ली तो तीनों के पास से 1 किलो से अधिक स्मैक बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि पकड़ा गया 1 आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है, जिसकी तैनाती बरेली जनपद में है। क्या देखिए, नैनीताल पुलिस की जो लालकुआ थाने की टीम है और एसओजी की टीम है, वो काफी दिनों से उत्तराखंड में जो स्मैक की सप्लाई हो रही है उनको सप्लायर पर नजर बनाई हुई थी। और कल हमारी जो टीम है उसको 2 सप्लायरों के आने की सूचना मिली, और जब हमारी टीम ने इनको दबोचा तो उनके साथ 1 लड़का और आया था। तो इस तरीके से कल 3 सप्लायरों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 1100 ग्राम के आसपास जो स्मैक है उसकी बरामदगी की। इनमें से 1 जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और उसकी तैनाती वर्तमान में बरेली जनपद। ऐसा माना जा रहा है कि ये उत्तराखंड पुलिस की सबसे बड़ी रिकवरी है और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को और जो हमारे जितने भी लोग लगे हैं सबको बधाई देता हूँ। लगभग इसकी कीमत आज की डेट में जो मार्केट है उसमें 1 करोड़ के आसपास की मानी जाए।